दिल्ली के जंतर मंतर पर आज बीसी वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा बीसी कैटेगरी की रिजर्वेशन व जनगणना के लिए आंध्र प्रदेश के संस्था द्वारा प्रदर्शन किया गया, जहां प्रदर्शन में एसोसिएशन के तेलंगाना स्टेट सेक्रेटरी राचाला युगांधर गौड़ द्वारा केंद्र सरकार से मांग उठाई गई व संसदीय सन के दौरान संसद में आवाज उठाने के लिए अपील की गई। कार्यक्रम में बलवर्धन गौर, शशि कुमार कवाली, अशोक दिवाकर आदि संस्था के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। लगातार तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के लोगों द्वारा बीसी कैटेगरी की जनगणना की मांग सरकार के आगे बुलंद कर रहे हैं। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का बीसी एसोसिएशन सब लोग मिलके जंतर मंतर में जो धरना कार्यक्रम कर रहे हैं उसको तेलुगु देशम पार्टी की तरफ से हम पूरी तरह से उनके समर्थन में हैं। उनके जो डिमांड्स है, सबसे पहले ये देश भर में जो बीसी से उन सबका यही डिमांड है कि जो अभी सेंसस होने वाला है उसमें कास्ट बेस्ड सेंसस होना चाहिए, और ये डिमांड हमने भी इनको आश्वासन दिया है कि ज़रूर सदन में उठाएंगे, केंद्र सरकार पर प्रेशर दबाव डालेंगे कि इसको पूरी तरह से शामिल करें, क्योंकि बहुत सालों से ये डिमांड रहा है और आगे भी बीसी के पिछड़े वर्ग के लोगों को अगर न्याय मिलना है तो ज़रूर कास्ट बेस्ड सेंसस होना चाहिए। और भी काफ़ी सारे डिमांड हैं, जैसे कि सेपरेट मंत्रालय होना चाहिए पिछड़े वर्गों के लिए, उनके लिए धनराशि भी बढ़ाना चाहिए, जिस हिसाब से पॉपुलेशन है उसके हिसाब से धनराशि भी देना चाहिए, और प्रमोशंस में भी उनका रिजर्वेशन, ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं, पर इन सबका मूल कारण बनता है कि कास्ट बेस्ड सेंसस होना चाहिए। पहले जो कालेलकर कमीशन या मंडल कमीशन, जितने भी कमीशन पिछड़े वर्गों के भविष्य के लिए बने थे, उन सब में रिकमेंड किया था कि इस पर तरह से कास्ट बेस्ड सेंसस होना चाहिए, तो उसी के कारण हम भी आज साउथ के समर्थन में हैं। तेलुगु देशम पार्टी नारा चंद्रबाबू नायडू जी भी हर बार जब भी मौका मिले इनके समर्थन में, हमने भी काफ़ी बार बोला है और आगे भी सदन में इसके बारे में लड़ते रहेंगे। आज दिल्ली के जंतर मंतर में वो आंध्र प्रदेश से, तेलंगाना, महाराष्ट्र से जो बीसी संघ लोग आया हुआ है, और यहाँ पे वो बीसी का जनगणन होना चाहिए, और 75 इयर्स के बाद भी ऐसा बीसी लोग और समाज में बहुत नीचे हैं। और हमारे आंध्र प्रदेश के ओर से श्री जगनमोहन रेड्डी जी के ओर से हम असेंबली में रेजोल्यूशन पास करके पार्लियामेंट को भेजा हुआ है। हम पूरे ताकत से इधर पार्लियामेंट में बीसी जनगणन होना ही चाहिए, हम पूरा पार्टी को इकट्ठा करके हम बीसी जनगणन होने के लिए हम पूरा कोशिश करेंगे, और बीसी का जनगणन होना ही चाहिए, सब बीसीओं को न्याय होना चाहिए, इसके कारण में हम पूरा पार्टियों को और सब जगनमोहन रेड्डी जी भी पूरा संकल्प है, हम ये पार्लियामेंट में हम पूरा ताकत से हम आगे बढ़ेंगे।